हेलो एंड वेलकम एवरीवन मैं आनंदवत गोल संस्थान की तरफ से आप सब लोगों का वेलकम करना चाहता हूं आज मैं फिर हाजिर हुआ हूं काउंसलिंग को लेकर के और आज के काउंसलिंग का पॉइंट है बिहार का रजिस्ट्रेशन जो कि स्टेट रजिस्ट्रेशन आ चुका है कल ही ये रजिस्ट्रेशन आ चुका था आपका और इस रजिस्ट्रेशन के आने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट जिस चीज़ का वेट कर रहे थे ऑल इंडिया रजिस्ट्रेशन के बाद से खास करके बिहार के स्टूडेंट जब जबकि झारखंड का आपका रजिस्ट्रेशन आ चुका था तो बिहार के रजिस्ट्रेशन करना किन स्टूडेंट्स के लिए जरूरी है और रजिस्ट्रेशन की क्या प्रोसेस इस बार दिया गया है क्या चेंजेस इस बार बिहार स्टेट रजिस्ट्रेशन दो हज़ार के लिए है इन सारी चीज़ों को हम लोग ब्रीफली एक बार मैं चाहूँगा कि आप तक रख दूँ पॉइंट वाइज़ तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि बिहार का रजिस्ट्रेशन कल आ चुका है आज 29 तारीख है और 29 तारीख़ से आपका बिहार स्टेट का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाता है उनतीस तारीख से लेकर के चार तारीख आपका आपका लास्ट डेट होता है फोर्थ ऑफ अगस्त जहाँ पर जा के आपको अपना रजिस्ट्रेशन कम्प्लीट करना होता है अगर आप ऑल इंडिया के साथ साथ स्टेट रजिस्ट्रेशन में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो ये रजिस्ट्रेशन आपके लिए बहुत ही जरूरी हो जाता है अभी जस्ट आप देख सकते हैं ये नोटिस है जो कि बी बोर्ड पे आया हुआ है इस नोटिस में क्या क्या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दिए गए हैं इसके बारे में अभी हम सबसे पहले चर्चा करेंगे आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है जब खास करके आप बिहार स्टेट का रजिस्ट्रेशन कर रहे हो उन्हीं पॉइंट्स को मैं ज़्यादा हाईलाइट करने की कोशिश करूँगा इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ एक चीज़ मैं सबसे पहले यहाँ पर हाईलाइट करना चाहूँगा अंडरलाइन करना चाहूँगा और वो ये है कि वैसे सभी स्टूडेंट्स जिन्हें लगता है कि मुझे ऑल इंडिया के साथ साथ स्टेट का भी कॉलेज को मुझे देखना है कि क्या कॉलेज मुझे मिल रहे हैं या फिर मुझे ये डिसाइड करना है कि मुझे स्टेट से कॉलेज लेना है या ऑल इंडिया से कॉलेज लेना है मैं दोनों ही देखना चाहता हूँ तो उस कंडीशन में आप सबके लिए सबसे ज़रूरी ये हो जाता है कि आप स्टेट का रजिस्ट्रेशन अभी जो प्रोसेस चल रहा है स्टेट रजिस्ट्रेशन का उसका आप जरूर करें क्योंकि वन टाइम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होता है बिहार में इसलिए बहुत ज़रूरी है कि फर्स्ट राउंड में अगर आपका रजिस्ट्रेशन होता है तभी आप सेकंड राउंड में भी पार्टिसिपेट या मूव कर पाते हैं सेकंड राउंड के बाद जब आपका राउंड ऑफ काउंसलिंग कंप्लीट हो जाता है तो मॉपअप जब स्टार्ट होता है तो मॉपअप में फिर आपके पास एक मौ, मौका मिलता है रजिस्ट्रेशन करने का लेकिन फर्स्ट और सेकेंड राउंड जो कि इंपॉर्टेंट होता है इसमें तभी आप सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं जब फर्स्ट राउंड में आपका रजिस्ट्रेशन हो गया होता है बहुत सारे चेंजेस लास्ट ईयर भी बी ने किया था इस बार उन चेंजेस में एक सबसे बड़ा चेंज इस बार स्टेट रिजर्वेशन में जो गर्ल्स का थर्टी का आया है वो एक रिजर्वेशन इस बार सबसे बड़ा चेंज है इस बार के थर्टी रिजर्वेशन के बाद क्या कुछ चेंजेस पड़ेंगे या क्या कुछ कट ऑफ में असर पड़ेगा इसको लेकर के भी हम लोग वीडियो में एक अलग वीडियो बनाएंगे और उसमें आपको बताने की कोशिश करेंगे फिलहाल मैं ब्रीफ़ में एक बार बता दूंगा कि 33 परसेंट रिजर्वेशन का क्या कुछ असर पड़ने वाला है स्टेट लेवल के कट ऑफ में इस बार के चेंजेस में एक सबसे बड़ा एक और चेंज आपके पास आया है कि गवर्नमेंट कॉलेजेज़ में एक कॉलेज यहाँ पर एड ऑन हो गए हैं वो है आपके लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं पूर्णिया मेडिकल कॉलेज के लिए यहाँ पर है जो कि आपका एक कॉलेज ऐड ऑन हो गया है ट्वेल्थ नंबर में आप देख सकते हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पूर्णिया ये कॉलेज इस बार ऐड ऑन हो गया है और हंड्रेड सीट्स आपके पास यहाँ पे मिल जाते हैं स्टेट के लिए एटी फाइव सीट्स आपके पास यहाँ एड ऑन हो जाते हैं फिफ्टीन परसेंट सीट्स चूँकि गवर्नमेंट में ऑल इंडिया के लिए चला जाता है तो एक सीट ऐड ऑन होने से थोड़ा सा तो राहत ज़रूर मिलेगा उन बच्चों के लिए जो स्टेट के लिए हैं प्राइवेट के लिए बातें मैं बाद में करूँगा अलग वीडियो के माध्यम से लेकिन यहाँ पर अब हम लोग चलते हैं कि क्या क्या इसमें रजिस्ट्रेशन के लिए आपके लिए इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है तो रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है इसमें डेट जो दिया गया है उसको लेकर के अभी हम लोग चर्चा करेंगे लेकिन रजिस्ट्रेशन में आपका स्टेप बाइज़ यहाँ पर प्रोसेस दिया गया है कि कैसे कैसे रजिस्ट्रेशन करना है स्टेप वन में रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है जिसमें आप रजिस्टर्ड अपने आप को करते हैं यानी आपके पास ई मेल होना चाहिए आपके पास होगा भी अगर आपने ऑल इंडिया का किया होगा रजिस्ट्रेशन या नीट का आपने जब फॉर्म भरा होगा तो वही आपके पास ई मेल होगा आप चाहें तो आपके पास नहीं न्यू ई मेल है या किसी कारण से बहुत सारे बच्चों का खो जाता है तो उस ई मेल को भी आप यूज़ करते हैं फोटोग्राफ्स आपके जो यूज़ किए गए थे वो होने चाहिए थम इम्प्रेशन और सिग्नेचर इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है जिसे आप अपलोड करते हैं रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में बहुत कुछ चेंज नहीं है लास्ट ईयर की तरह ही इस बार ही आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का जैसे ही फर्स्ट प्रोसेस आपका होता है उसके बाद आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन का पार्ट आता है पर्सनल इंफॉमेशन में आप अपना साइन इन करके अपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन को फीड करते हैं ये आपके पास होगा नीट का अगर आप एडमिट कार्ड या फिर आप कन्फर्मेशन पेज ले करके बैठेंगे तो बहुत सारे इफॉर्मेशन उसी के माध्यम से आपका यहाँ पर फीड हो जाएगा स्टेप थ्री जिसकी मैं बात कर रहा था फोटो एंड सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड करना पड़ता है फोटो के साथ साथ सिग्नेचर के यहाँ गाइडलाइन भी दिया गया है कि आप फुल सिग्नेचर यहाँ पे करेंगे हिंदी एंड इंग्लिश नॉट इन कैपिटल लेटर में होना चाहिए एंड ड्यूली स्कैनिंग द सेम उसको स्कैन करके आपको अपलोड करना होता है फोर्थ स्टेप में है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो आपका है एज एट ई सिम्पल सा प्रोसेस है ऑल इंडिया का आपने रजिस्ट्रेशन किया होगा तो बहुत डिफिकल्ट नहीं है सिंपल सा प्रोसेस है उसी तरीके से आप अपने स्टेट का भी रजिस्ट्रेशन करते हैं फाइव में फिर से ऑल इंडिया की तरफ रिव्यू आपके एक बार दिया जाता है कि फाइनली आप एक बार चेक कर लें कि आपने जो भी इससे पहले इन्फॉर्मेशन फीड किया है पिछले चार स्टेप में वो आपका सही है या उसमें कुछ आपको चेंजेस करने हैं तो आप ऑन द स्पॉट वहाँ पर चेंज कर सकते हैं हालांकि एडिटिंग के लिए स्टेट में आपके पास मौका मिलता है आप उस एडिटिंग डेट को भी चेंज कर सकते हैं लेकिन यहाँ पे प्रीव्यू में भी आपके पास एक बार मौका होता है कि आप अपने स्टेप्स को रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को फिर से चेंज कर सकते हैं स्टेप सिक्स में आते हैं पेमेंट एंड काउंसलिंग प्रोसेस होता है सिक्योरिटी डिपॉजिट करना पड़ता है लास्ट ईयर से जिस तरह हम लोग देख रहे हैं कि सिक्योरिटी अमाउंट डिपॉजिट भी स्टेट में होने लगा है तो यहाँ पे बच्चे ये ध्यान में आपको रखना होगा कि रजिस्ट्रेशन के साथ साथ सिक्योरिटी अमाउंट भी डिपॉजिट करना पड़ता है सिक्योरिटी अमाउंट कितना अमाउंट पे करना पड़ता है तो आप देख सकते हैं कैटेगरी के अकॉर्डिंगली यहाँ पर दिया हुआ है कि यू आर ई डब्ल्यू एस बी सी एंड ई बी सी वाले बच्चों को ट्वेल्व हंड्रेड रुपीज़ रजिस्ट्रेशन का देना पड़ता है ये रजिस्ट्रेशन अमाउंट होता है जो कि नॉन रिफंडेबल होता है अगर आप एक बार रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपका ये देना ही देना पड़ेगा कैटेगरी अगर एस सी एस टी डी क्यू है तो आपको इसके अकॉर्डिंगली देना पड़ता है प्राइवेट का अलग से है जिस चीज़ के लिए आप कर रहे हैं गवर्नमेंट प्राइवेट दोनों करते हैं तो उस हिसाब से जाता है अगर सिर्फ गवर्नमेंट मेडिकल और डेंटल वेटनरी करते हैं चूँकि ये तीनों गवर्नमेंट के लेवल पे हैं तो आपको ये अमाउंट देना पड़ता है कैटेगरी के हिसाब से सिक्स हंड्रेड देना पड़ता है ये आपका रजिस्ट्रेशन अमाउंट था अब हम लोग बात करते हैं सिक्योरिटी अमाउंट की तो सिक्योरिटी अमाउंट का भी प्रोसेस यहाँ पर दिया हुआ है कि अगर गवर्नमेंट मेडिकल डेंटल एंड वेटनरी के लिए करते हैं तो सिक्योरिटी अमाउंट होता है सिक्योरिटी अमाउंट आपका रिफंडेबल और फोफिटेड दोनों ही का कंडीशन यहाँ पे दिया गया है फोरफिटेड किस कंडीशन में आपका सिक्योरिटी अमाउंट हो जाएगा और किस कंडीशन में आपके अमाउंट रिफंडेबल होंगे इसकी चर्चा अभी हम लोग आगे करेंगे चूँकि आज रजिस्ट्रेशन प्रोसेस मेन पार्ट है उसको लेकर के हम लोग डील कर रहे हैं तो पहले टेन थाउजेंड रुपीज़ का अगर आप यू आर ई डब्ल्यू एस में हैं तो टेन थाउजेंड रुपीज़ यहाँ पर आपको एज ए सिक्योरिटी अमाउंट जमा करना पड़ता है एस सी एस टी बी सी और ए बी सी वाले बच्चों के लिए यहाँ पर फ़ाइव थाउजेंड का जो है वो सिक्योरिटी अमाउंट आपको यहाँ पे डिपॉजिट करना पड़ता है जैसे ही ये पार्ट आप करते हैं तो उसके बाद आपका अगला स्टेप जो होता है सेवनथ स्टेप डाउनलोड ऑफ पार्ट ए एंड पार्ट बी अगर आप पहली बार रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं इस बार बिहार में तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर फिजिकल कॉपी भी आपको रखना पड़ता है जो आप रजिस्ट्रेशन कर रहे होते हैं तो पार्ट ए और पार्ट बी जो ये दिया हुआ है जो आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो दो पार्ट में आपका रजिस्ट्रेशन जा करके कंप्लीट होता है यानी कि जब आप पेमेंट का पार्ट कंप्लीट कर लेते हैं एंड ऑफ द रजिस्ट्रेशन तो पार्ट ए एंड पार्ट बी को आपको बाद में डाउनलोड कर लेना पड़ता है और डाउनलोड करके उसके प्रिंट का जो है दो या तीन कॉपी आप अपना बना करके रख लें जब आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होने के बाद जब काउंसलिंग की प्रक्रिया स्टार्ट होती है जब आपको रिपोर्टिंग करता है करना होता है अपने नोडल सेंटर पर या कॉलेज में जा के एडमिशन लेना पड़ता है तो उस समय आपको पार्ट ए एंड पार्ट बी के रिक्वायरमेंट होती है जहाँ पर आपको देना पड़ता है इसे कहीं भी आपको कुरियर या बाई पोस्ट नहीं भेजना होता है बल्कि आप बल्कि आपको अपने पास रखना होता है ये चीज़ यहाँ मैंशन भी किया है हार्ड कॉपी पार्ट ए पार्ट वी नीड नॉट टू तो बी सेंड इन बोर्ड ऑफिस बट इन दिस इज़ टू बी मेड अवेलेबल एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग ये इसका इन्फॉर्मेशन यहाँ दिया गया है जिसके बारे में अभी मैं चर्चा कर रहा था और इसी के बाद ये सारा प्रोसेस आप देख लेंगे उसी चीज़ से रिलेटेड दिया गया है काउंसलिंग का फी एंड सिक्योरिटी डिपॉजिट बट ड्यू टू एनी टेक्निकल इशू अगर आपका पेमेंट कई बार ऐसा होता है कि सर्वर के इशूज़ के कारण पेमेंट नहीं जा पाता है या नहीं शो करता है कि आपका पेमेंट गया है कुछ देर आप वेट कर सकते हैं और वेट करने के बाद भी अगर नहीं जा रहा है प्रोसेस कर रहा है तो आप नेक्स्ट पेमेंट करते हैं वो पहले वाला पेमेंट आपका फिर बैक हो जाता है आपके बैंक अकाउंट में फाइनल मेरिट लिस्ट आपका प्रिपेयर किया जाएगा और रैंक कार्ड आपका यहाँ पे बन जाता है रैंक कार्ड बनने के बाद आपके रिजल्ट वेबसाइट पे पब्लिश कर दिए जाते हैं फी स्ट्रक्चर एंड बाकी चीज़ों का इन्फॉर्मेशन सिंपल सा दिया हुआ है इसे आप देख लेंगे इसमें बहुत चीज़ नहीं है मॉपअप काउंसलिंग के बारे में विशेष कर दिया गया है विल बी ऑफलाइन मोड जिसकी मैं बात कर रहा था फर्स्ट एंड सेकेंड राउंड आपका कंप्लीटली ऑनलाइन मोड में आपका काउंसलिंग प्रोसेस होता है जहाँ पे मॉपअप में क्या है ऑफलाइन मोड में और फ्रेश ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म विल बी टेकन डिटेल्स विल बी मेड एंड अवेलेबल दट है यहाँ पर यह ध्यान रखना होगा कि मॉपअप काउंसलिंग में वही बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं जिन्हें फर्स्ट राउंड ऑल इंडिया सॉरी फर्स्ट राउंड स्टेट के या सेकेंड राउंड से कोई कॉलेज नहीं मिला है ये उन्हीं बच्चों के लिए होता है कि वो लोग मॉपअप में पार्टिसिपेट कर सकते हैं टर्म्स एंड कंडीशंस क्या क्या हैं और बाकी इसमें क्या क्या क्लाउजेज़ uh, हैं उसको लेकर के हम लोग एक पर्टिकुलर वीडियो में चर्चा करेंगे एन और बाकी चीज़ों को दिया गया है डी का यहाँ दिया गया है क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है इस चीज़ का आपको एक बार फिर से यहाँ देख लेना होगा ओरिजिनल एडमिट कार्ड ऑफ नीट यू जी इसको आपको रखना पड़ेगा स्कोर कार्ड आपका पासिंग सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट एडमिट कार्ड ऑफ टेंथ और इक्वेलेंट पासिंग सर्टिफिकेट मार्क्शीट एडमिट कार्ड इंटरमीडिएट और इक्वन रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट जो कास्ट से बिलोंग करते हैं कास्ट सर्टिफिकेट ऑल द सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट ऑरिजिनल एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ इंडियन प्राइवेट मेडिकल कॉलेज या डेंटल कॉलेज होना चाहिए आपका पासपोर्ट साइज का सिक्स कॉपी होना चाहिए प्रिंट पार्ट ए पार्ट बी की जो बात थी आधार कार्ड और एनी अदर डॉक्यूमेंट्स अगर आप किसी डी क्यू या माइनिटी कोटा या EWS से बिलोंग करते हैं तो उन सब चीज़ों का चाहिए इंपॉर्टेंट डेट्स यहाँ पे आप एक बार देख सकते हैं 29 नाइन इज टूडे यहाँ से आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है रजिस्ट्रेशन का क्लोजिंग डेट चार तारीख है कोशिश कीजिए कि उससे पहले कर लें पेमेंट थ्रू आपका देने का यहाँ तरीका दिया गया है चार तारीख का ही है चार आठ को आपका लास्ट डेट है ग्यारह उनसठ टाइमिंग के हिसाब से ऑनलाइन एडिटिंग और अप्प्लीकेशन ये जिसकी मैं बात कर रहा था एडिटिंग के लिए हालांकि प्रीव्यू पे आपके पास मौका होता है लेकिन एडिटिंग के लिए यहाँ पे आपको डेट दिया गया है सात तारीख का यहाँ पर जा करके एडिटिंग uh, के लिए आपका सॉरी पाँच तारीख का डेट दिया गया है यहाँ पर एडिटिंग कर सकते हैं रैंक कार्ड मेरी लिस्ट आपका सात तारीख को प्रिपेयर हो जाता है प्रपोज डेट ऑफ चॉइस फिलिंग एंड काउंसिलिंग प्रोग्राम आपका नौ तारीख़ का है यानी कि ये प्रोसेस होने के बाद ही आपका लास्ट में आपका यहाँ पर चॉइस फिलिंग का प्रोसेस होता है ऑनलाइन <coughs> मोड में होगा इस चीज़ की जानकारी दे गई है बाकी चीज़ें आपको टाइम टू टाइम वहाँ पे इन्फॉर्म किया जाएगा ये जो लास्ट इन्फॉर्मेशन दिया गया है ये इंपॉर्टेंट है कैंडिडेट मस्ट नोट दैट ऑनलाइन फिलिंग ऑफ एलिकेशन फॉर्म रजिस्ट्रेशन फॉर्म ऑफ एडमेशन एम बी बी एस बी बी एस ए एच शैल बी डन वंस ओनली ऑन द बेसिस ऑफ जिसकी मैं बात अभी कर रहा था एक ही बार आपका ये प्रोसेस होता है वंस ओनली ऑन द बेसिस ऑफ विच सीट अलॉटमेंट ऑफ राउंड वन एंड राउंड टू ये दोनों आपका एक ही फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन एंड वन टाइम रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस बिहार देता है उंसलिंग विल बी डन नो अदर अपॉर्चुनिटी विल बी प्रोवाइडेड फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड सब्लिकेशन फॉर अंडर एनी कंडीशन आपको इस दो राउंड में फिर कोई कंडीशन यहाँ पे नहीं दिया जाएगा तो ये आपका बेसिक इन्फॉर्मेशन था मुझे लगता है कि यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं अब हम लोग बात करते हैं इसके बाद दूसरे पार्ट में कि जो 33 परसेंट का जो रिजर्वेशन पॉलिसी है इसे थोड़ा सा समझ लेना चाहिए बहुत ज़रूरी है 33 परसेंट का जो रिजर्वेशन पॉलिसी से पहले पॉलिसी से पहले हम लोग ये देख लें कि इससे पहले स्टेट में क्या रिजर्वेशन पॉलिसी था तो इससे पहले अगर रिजर्वेशन पॉलिसी की बात करते हैं तो एस के लिए बिहार स्टेट में सिक्सटीन का रिजर्वेशन है एस के लिए वन परसेंट के लिए 18 परसेंट सबसे ज़्यादा ई के लिए यहाँ पर रिजर्वेशन पॉलिसी होता है बी के लिए आपका 12 परसेंट है आर 3 परसेंट और आर्थिक रूप से यानी कि रिजर्व फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ई का टेन है ये जो रिज़र्वेशन पॉलिसी है और जनरल का फोर्टी का ये आपका वर्टिकल रिजर्वेशन पॉलिसी है ये अब तक जो दिया जा रहा था रिजर्वेशन 100 परसेंट में से तो ये रिजर्वेशन पॉलिसी वर्टिकल के ग्राउंड पे दिया जा रहा था और वर्टिकल के साथ साथ जो 33 परसेंट अभी जो एड ऑन हुआ है इस बार से गर्ल्स के लिए वो आपका हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन पॉलिसी है यानी ओवरऑल अगर ये सारे को आप काउंट करते हैं तो आपका 100 परसेंट आता है और 100 परसेंट में 33 परसेंट जो दिया जा रहा है वो आपके ईच एंड एवरी कैटेगरी सारे कैटेगरी से आप मान सकते हैं कि सारे ही कैटेगरी से 33 परसेंट रिजर्वेशन का पार्ट आपका एड ऑन है यानी वर्टिकल रिजर्वेशन को कहीं से भी कुछ चेंजेस नहीं किया गया है बेसिकली आप इसको ऐसे समझ सकते हैं और हॉरिजेंटल लेवल पर जो रिजर्वेशन दिया गया है उसको यहाँ पर सिर्फ चेंज किया गया है और उसकी जानकारी आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है तो वर्टिकल रिजर्वेशन के बाद जिस हॉरिजेंटल रिजर्वेशन की हम लोग बात कर रहे थे गर्ल्स में जो थर्टी थ्री परसेंट का दिया गया है उसके तहत तो ये चीजें काफी क्लियर यहाँ पर कर दिया गया है जिसे आप पढ़ सकते हैं कि बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम दो की कंडिका आठ में उल्लेखित प्रावधान के आलोक में बिहार राज्य अंतर्गत शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन हेतु समय समय पर लागू ऊर्ध्वादर आरक्षण उर्धवादर आरक्षण के प्रावधानों को अच्छु रखते हुए विश्वविद्यालय के संबंध प्रत्येक संस्थान एवं पाठ्यक्रम एवं कुल सीटों का यहाँ पर देख सकते हैं आप कुल सीटों का एक तिहाई महिला अभ्यर्थियों के नामांकन के लिए क्षतिज रूप से आरक्षित रहेगी ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हॉरिजॉन्टल आरक्षण की बात की जा रही है ना कि यहाँ पे वर्टिकल आरक्षण की बात की जा रही है अगर ये 33 थ्री परसेंट कम्प्लीटली वर्टिकल आरक्षण होता तो प्रॉब्लम हो सकता था एक बहुत लेवल का लेकिन आप देख सकते हैं कि ऊपर में 60 परसेंट ऑलमोस्ट रिजर्वेशन कैटेगरी लेवल पे जा रहा है जनरल का 40 परसेंट सीट्स वहाँ पर ओपन होता है और वर्टिकल की जगह यहाँ पे हॉरिजेंटल गर्ल्स के रिजर्वेशन 33 परसेंट होने के कारण ये मान के चल सकते हैं कि कट ऑफ की जो क्राइटेरिया होगी या रिजर्वेशन का गर्ल्स कैंडिडेट को एक लेवल तक फ़ायदा ज़रूर होगा लेकिन ये फ़ायदा कितना होगा अगर इसकी जानकारी की जाए तो बहुत हद तक जैसे जैसे काउंसलिंग मूव करेगा वहाँ पर भी ये क्लियर हो जाएगा लेकिन ये मान के चल सकते हैं कि बिहार में जिस तरह के गर्ल्स कैंडिडेट अब तक जो स्कोर गेन कर रहे थे या जिस तरह के उनके रैंक आ रहे थे वो अपने आप में अप्रॉक्स टू थर्टी परसेंट का था वो जिसके आधार पर थर्टी या उससे प्लस ही उनका रिजर्वेशन ऑलरेडी उन्हें मिल रहा था यानी उतने कैंडिडेट वो आ जा रहे थे तो इस रिजर्वेशन से एक तरह का थोड़ा सा फ़ायदा जरूर होगा लेकिन बहुत ज़्यादा यहाँ पे मुझे नहीं लग रहा है कि फायदा होता हुआ दिख रहा है लेकिन हाँ थोड़ा फायदा तो जरूर गर्ल्स कैंडिडेट के लिए यहाँ पर है जो कि उन्हें मिलेगा हॉर्जेंटल रिजर्वेशन के बाद से तो ये कुछ बातें थी जो कि मुझे लगता है कि काउंसलिंग प्रोसेस के तहत आपको जान लेना है अब रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की बात करते हैं कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को कैसे करना है स्टूडेंट के लिए और उस रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के लिए हम लोग चलते हैं अब हम लोग उसके वेबसाइट पर तो अब तक के प्रोसेस में हम लोगों ने देखा कि किस तरह से आपका रिज़र्वेशन पॉलिसी स्टेट के लिए है और स्टेट के साथ साथ ऑल इंडिया में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और साथ ही साथ ऑल इंडिया का फर्स्ट राउंड का आपका रिजल्ट भी आ चुका है बहुत सारे बच्चे ने देख लिया है कहाँ तक किस रैंक तक जा रहा है अगर ऑल इंडिया के रिज़ल्ट की बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि लास्ट ईयर के पेक्षा इस बार चाहे वो जनरल हो चाहे कोई अदर कैटेगरी हो काफ़ी पीछे रैंक तक देखने के लिए मिल रहा है कि इस बार गया है तो एक बेस्ट पॉसिबिलिटीज़ आपके पास ये दिख रहा है कि कहीं ना कहीं ऑल इंडिया में इस बार आपके पास एक अच्छा खासा ऑप्शन आने वाला है खास करके जो आ, बैक रैंकर्स हैं या जिनका रैंक्स आपका 20,000, 22,000 या 25,000 के बाद भी जा रहा है तो एक आप होप यहाँ पे रख सकते हैं ये ऑल इंडिया का के बाद हम लोग ए, स्टेट का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पे आए हैं आप देख सकते हैं यहाँ पे जो बिहार का वेबसाइट है जिस पे जा करके आपको रजिस्ट्रेशन करना है वो है बी सी ई सी ई बोर्ड डॉट बिहार डॉट जी ओ वी डॉट इन इस साइट पर आप जैसे ही जाते हैं यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस होता है आप जैसे ही न्यू रजिस्ट्रेशन करते हैं आपका ये इंटरफेस यहाँ पर आ जाता है इस इंटरफेस में देख सकते हैं कि आपको स्टेप बाइज एक दो तीन चार पाँच और छः छः स्टेप में जाकर के आपका ये बिहार का स्टेट का रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होता है वेरी फर्स्ट आपका रजिस्ट्रेशन है देन उसके बाद आप पर्सनल इन्फॉर्मेशन फीड करते हैं फोटो एंड सिग्नेचर आपको अपलोड करना है यही दो पार्ट सिर्फ इस बार अपलोड करना है ना तो आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करना है ना रेजिडेंशियल ना ही अकेडमी का कोई डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करना है सिग्नेचर में आपको इंग्लिश और हिंदी जो कि रनिंग लेटर में होगा ये आप अपलोड करेंगे और साथ ही साथ फ़ोटो जो आप नीट में यूज़ किए थे उसी फ़ोटो को यूज़ यहाँ पर भी करना है एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन आपको फ़ीड करना है एप्लीकेशन प्रीव्यू यानी कि जितने भी इन्फॉर्मेशन आपने अब तक फिल किए हैं उसका यहाँ पर एक बार फाइनली आप रिव्यू करते हैं और उसके बाद वो कम्प्लीट हो जाता है इसके बाद आपका फ़ी पेमेंट का प्रोसेस होता है फी पेमेंट एंड सिक्योरिटी डिपॉजिट जिसके बारे में अभी हमने चर्चा की थी उसे आप डिपॉजिट करते हैं एंड आपका रजिस्ट्रेशन पार्ट कंप्लीट हो जाता है स्टार्ट करते हैं रजिस्ट्रेशन के पहले पार्ट से जिसकी हमने चर्चा की थी यहाँ पे सबसे पहले आपका आता है काउंसलिंग कौन सा है तो यू जी एम दूसरा पॉइंट है नीट यू जी रॉल नंबर यहाँ पर आपको रोल नंबर पूछा जाता है कि नीट यू का वो रोल नंबर है जो कि आप नीट का एग्जाम जिस रोल नंबर के आधार पर आप दिए हैं सेम रोल नंबर आपको यहाँ पे फिल करना होता है नीट का एडमिट कार्ड आपके पास होगा या आपके पास रिजल्ट कार्ड होगा उससे आप देख करके यहाँ पे रोल नंबर फीड करते हैं रोल नंबर जैसे ही फीड करते हैं आप यहाँ पे वेरीफाई का ऑप्शन आता है वेरीफाई करने पे किस तरह से वेरिफिकेशन होता है यहां पे समझ लेना है ये चेंजेस है इस बार का तो उसको देखते हैं पहले यहाँ पे हम लोगों ने नीट का रोल नंबर जैसे ही आप यहाँ पे फीड करते हैं इसके बाद जस्ट हम लोग के वेरीफाई ऑप्शन पे जाना है वेरीफाई को आप जैसे ही टिक आउट करते हैं आप देख सकते हैं कि उस रोल नंबर को कन्फर्म करने के लिए आपके पास कुछ इंफॉर्मेशन री मांगता है जिसमें सबसे पहले आपका आएगा डेट ऑफ बर्थ डेट ऑफ बर्थ आप वही फ़ीड करेंगे जो आपने नीट के रजिस्ट्रेशन में किया था ऑल इंडिया का तो डेट मंथ एंड ईयर यहाँ पुट करते हैं नीट यू 2023 का एप्लीकेशन नंबर ये सारी इन्फॉमेसन आपके नीट के एडमिट कार्ड में दिया हुआ है वहाँ से आप एप्लीकेशन नंबर डालते हैं एंड तीसरे पॉइंट पे ये पूछा जाता है कि एग्जामिनेशन सेंटर का नंबर क्या था वो भी आपको एडमिट कार्ड अगर आप निकालेंगे तो वहाँ पे मिल जाएगा और वो यहाँ पे आप डालते हैं जैसे ही तीन इन्फॉर्मेशन यहाँ पे फिल करते हैं आप इसके बाद ओके करते हैं आपका वेरिफिकेशन पार्ट को वो वेरीफाई कर लेगा अगर रोल नंबर आपने सही डाला है तो यू जी रोल नंबर यहाँ पे आपका कंफर्म हो जाता है बिहार के रजिस्ट्रेशन के लिए जैसे ही वेरिफिकेशन के लिए आपने यू जी मैक डाला उसके बाद जो पॉपअप हुआ था वो सारी इन्फॉर्मेशन आपने फीड किए इसके बाद आपका वेरीफिकेशन वेरीफाई करता है और सब कुछ अगर ओके रहता है तो कैंडिडेट नेम ये बाई डिफ़ॉल्ट आपका अपने आप यहाँ पर आ जाएगा आपको फिल करने की ज़रूरत नहीं है नीट यू जी दो नंबर ये भी अपने आप आ जाएगा चूंकि आपका रोल नंबर वेरीफाई हो चुका है और उससे वो डेटा वहाँ से एक्सट्रैक्ट कर लेता है और एप्लीकेशन नंबर भी यहाँ पे अपने आप आ जाएगा ऑल इंडिया रैंक को भी आपको डालने की ज़रूरत नहीं है ये भी वहाँ पर आ जाएगा कैंडिडेट डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर जो है ये भी अपने आप आ जाएगा चूँकि आपने अभी जस्ट डाला था इसी के साथ साथ कितना ईयर्स है कितने मंथ कितने डेज एज़ ऑन जुलाई दो ये भी आपको यहाँ पर इंडिकेट कर देता है एज कन्फर्म हो जाने के बाद आपका फिर है मोबाइल नंबर का वेरिफिकेशन पार्ट है मोबाइल नंबर जैसा कि मैंने बोला वही मोबाइल नंबर यूज़ कीजिएगा जो आपके पास अभी हो रजिस्ट्रेशन के समय और जिसे अगले आप काउंसलिंग तक रखने वाले हैं मोबाइल नंबर जैसे ही आप डालते हैं फिर से उसी तरीके से वेरिफिकेशन का पार्ट यहाँ पे यहाँ पे दिख रहा होगा वेरीफ़ाई जैसे ही आप करते हैं आपके पास एक ओ जाता है उस ओ को आपको डालना होता है ओ जैसे ही आप यहाँ पर फीड करेंगे इसका एक और कॉलम यहाँ पर आता है ओ डालने के साथ साथ आपका यहाँ पर अगर वो सही ओ रहता है तो यहाँ पर आ जाता है मोबाइल नंबर वेरीफाइड यानी कि आपका मोबाइल नंबर वेरीफाइड हो चुका है आप आगे प्रोसीड कर सकते हैं इसी तरीके से वेरिफिकेशन प्रोसेस आपका ई एड्रेस का भी होता है ई एड्रेस का कॉलम है ई एड्रेस आपको वहाँ पर डालना होता है ई एड्रेस बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज़ हो रहे हैं जब ई एड्रेस आप फीड कर रहे होंगे तो वहाँ पे आपके ईमेल मेल एड्रेस होंगे वो कैपिटल लेटर में शो कर रहा होगा आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है वो कैपिटल लेटर में ही शो कर रहा होता है भले ही वो आपका रनिंग लेटर में हो आपका ओरिजिनल ईमेल एड्रेस तो यहाँ पे कैपिटल में आ रहा है उसको कैपिटल में ही आपको डाल देना है एज़ इट इज़ सिमिलरली मोबाइल की तरह आप यहाँ पे भी वेरिफिकेशन प्रोसेस ईमेल का भी आप करेंगे जैसे ही वेरीफाई करेंगे आपका एक ओ ईमेल पे जाएगा आपका और ईमेल पे जो ओ टी गया, गया है आपका उस ओ को आप यहाँ पे वेरीफाई वाले पार्ट के जो कॉलम दिखेगा वहाँ पे आप उसको फिल कर दीजिएगा जैसे ही फिल कीजिएगा अगर वो सही होगा तो यहाँ पर फिर से उसी तरह से ग्रीन से दिखने लगेगा ई एड्रेस वेरीफाइड यानी मोबाइल नंबर और ई एड्रेस आपका वेरीफाइड हो चुका है अब इसके बाद आप पासवर्ड के लिए मूव करते हैं जो पासवर्ड के लिए अभी मैंने प्रोसेस बताया था कि उसमें एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए था दूसरा एक कैपिटल लेटर कम से कम होना चाहिए कुछ स्मॉल लेटर्स होने चाहिए थे कुछ डिजिट्स होना चाहिए उसके साथ और ये कम्प्लीटली मिनिमम एट लेटर्स का एट कैरेक्टर्स का होना चाहिए ये ज़रूरी होता है ई एड्रेस जैसे ही आपका वेरीफाइड होता है इसके बाद आप पासवर्ड की ओर मूव करते हैं पासवर्ड में जैसा मैंने बोला उस हिसाब से आप यहाँ पर पासवर्ड डालेंगे पासवर्ड आपका ये डॉटेड पॉइंट पे शो कर रहा होगा क्योंकि वो विजुलाइज नहीं हो इसलिए किया जाता है पासवर्ड को मैं ये कहूँगा कि आप कहीं नोट डाउन भी कर लें ऐसा ना हो कि आप भूल जाएँ तो पासवर्ड को आप नोट जरूर कर लें तो पासवर्ड डालते हैं सेम पासवर्ड आपको कन्फर्म करने के लिए री यहाँ पर सेट करना पड़ता है फिर से डालना होता है ये दोनों आप डालने के बाद आधार नंबर जो आपके पास होगा एज ए आई डी प्रूफ एड्रेस प्रूफ उसे आप यहाँ पे आधार का नंबर डाल दीजिएगा आधार नंबर डालने के बाद अगला स्टेप जो होता है वो होता है सिक्योरिटी क्वेश्चन यानी सिक्योरिटी क्वेश्चन का मतलब ये होता है कि इन केस अगर आप पासवर्ड भूल जाते हैं तो उस पासवर्ड को फिर से रिटेन करने के लिए आपसे जो यहाँ पे सवाल पूछा जा रहा है सिक्योरिटी क्वेश्चंस के रूप में तीन से चार सवाल होते हैं उसमें से कोई भी एक सवाल आप सेलेक्ट कर सकते हैं जो आपको लगता है कि ये मेरे लिए क्वेश्चंस बाद में इसका आंसर्स देना आसान है तो जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन लिया गया है निकनेम को लेकर के या फेवरेट बुक हो सकता है या कोई भी आप क्वेश्चन ले सकते हैं और उसका आंसर यहाँ पर आप लिख ले सकते हैं ये आंसर्स भी आपके कैपिटल लेटर में ही रहेंगे उसके बाद सिक्योरिटी पिन यहाँ पर पूछा जा रहा है सिक्योरिटी पिन यहाँ पे दिया हुआ है इसको एज इट इज़ आप यहाँ पे फिल कर दीजिए और यहाँ साइन अप आप कर दें साइन अप पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं ये आपका यहाँ पर पॉपअप हो जाता है इस पॉपअप में क्या होता है कि आपको फिर से वो इन्फॉर्मेशन जो आपने फ़िल किया है उसको आप यहाँ पर दिखा रहा होता है जिसमें नीट यू जी का रोल नंबर आप चाहें तो एक बार फिर से मैच कर सकते हैं वेरीफाई कर सकते हैं आपका नाम डेट ऑफ बर्थ मोबाइल नंबर जो आपने फ़िल किया है ईमेल एड्रेस आधार नंबर सिक्योरिटी क्वेश्चन जो आपका आपने लिया था और सिक्योरिटी आंसर्स यानी कि ये पॉपअप आपको एक बार फाइनली फाइनल सबमिट करने के पहले आपको ट्वाइस दिखा रहा है जैसे ही आपको लगता है कि सब कुछ ओके okay है आप सीधा यहाँ पर जा के कन्फर्म कर दें कन्फर्म जैसे ही आप करते हैं उसके बाद आप अगले स्टेप पर मूव कर जाते हैं जैसे ही आपने रजिस्ट्रेशन का पेज उसे सबमिट किया आपने उसके बाद से फिर से आपका होम पेज वाला पार्ट आ जाता है होम पेज वाले पार्ट पे अब यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन आप अब तक कर रहे थे अब न्यू रजिस्ट्रेशन का पार्ट नहीं करेंगे बल्कि रजिस्टर्ड कैंडिडेट लॉगिन यानी कि आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया है अब आप रजिस्टर्ड कैंडिडेट के रूप में आ गए हैं तो फिर से एक बार आपको यहाँ पर लॉगिन करना पड़ता है और उस लॉग इन में जो आपका लॉग इन आई है वो आपका ईमेल एड्रेस ही है जैसा कि मैंने पहले बताया था उसी ईमेल एड्रेस को यहाँ पर कैपिटल फॉर्म में ही लिखाएगा आपका तो ईमेल एड्रेस को यहाँ पर राइट आउन कर लेते हैं जो पासवर्ड आपने लिया था उसी पासवर्ड को यहाँ पर आपको डालना होता है कैप्चा कोड ये ऑलरेडी यहाँ दिया हुआ है इस कैप्चा कोड को एज इट इज़ आप यहाँ पर डाल करके साइन इन कर देते हैं कई बार ऐसा होता है कि कुछ बच्चे अपना पासवर्ड भूल जाते हैं जिसके बारे में मैंने पहले कहा था कि रिटेन करने के लिए आप सिक्योरिटी क्वेश्चंस को लेते हैं और जो आंसर आपने पुट किया था वो डालते हैं तो फिर आप रीगेन कर सकते हैं लेटर ऑन अगर आपको कभी लगता है कि ऐसा हो गया है तो फॉरवर्ड पासवर्ड यहाँ दिया हुआ है क्लिक हेयर करके उसी प्रोसेस को आप करेंगे तो आप फिर से रीगेन कर सकते हैं यहाँ पर फाइनली आप साइन इन कर लेते हैं लॉगिन करने के बाद आपका ये फिर से इंटरफेस आ जाता है जिसमें ये इन्फॉर्मेशन आपका बाय डिफ़ॉल्ट फिर से आपका आ जाता है यहाँ पे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है आपका सिर्फ आपको चेक कर लेना है कि जो जो इन्फॉर्मेशन आया है वो आपका ही है नीट यूजी जी रॉल नंबर यहाँ पर आपका ऑलरेडी शो कर देगा नीट यू जी का अप्लीकेशन नंबर भी आ जाएगा यहाँ पर आपका ऑल इंडिया रैंक जो आपका है वो भी यहाँ पर शो कर देगा आपके लिए कैंडिडेट नेम आपका जो है वो भी यहाँ पर आ जाएगा कैंडिडेट डेट ऑफ बर्थ भी आपका यहाँ पर आ जाता है फादर्स नेम एंड मदर्स नेम ये दोनों आपका यहाँ पर शो हो जाता है कैटेगरी एज़ पर योर नीट यू जी यहाँ पर आपको देखना होगा कि ये कैटेगरी जो आपका ऑल इंडिया के लिए है वो यहाँ पर कैटेगरी आपका शो करेगा इसलिए यहाँ पर घबराना नहीं है चूँकि ये इन्फॉर्मेशन आपका नीट ऑल इंडिया के हिसाब से यहाँ पर फीड करके दिया गया है तो कैटेगरी सपोज दैट ऐसा इसे ऐसा समझ सकते हैं कि कोई बच्चे अगर ऑल इंडिया में जनरल हैं लेकिन अपने स्टेट के लिए वो अगर ओ होंगे तो यहाँ पर आपको जनरल ही ये शो कर रहा होगा अब आप बिहार स्टेट के लिए अगर आप ओ आते हैं तो इसके बाद के इन पार्ट में आपको दिखाया जाएगा कि आप यहाँ के लिए कौन से कैटेगरी हैं वो आपको फिर से यहाँ पर फिल करना पड़ता है तो यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे आप परेशान नहीं होंगे ये कैटेगरी आपने जो ऑल इंडिया में है उसी हिसाब से यहाँ पे दिया गया है वो यहाँ पर आएगा आपका जेंडर आपका जो है वो यहाँ पर शो कर देगा अब इसके बाद जो सेकेंड पार्ट है यहाँ पे उसी पेज में जो आप देख रहे हैं यहाँ के इन्फॉर्मेशन आपको फिल करना और ये आपके अपने स्टेट के लिए इन्फॉर्मेशन अब यहाँ से कलेक्ट किया जा रहा है इसमें सबसे पहले है आर यू परमानेंट रेसिडेंट ऑफ बिहार जैसे ही आप इस पे जाते हैं आर यू परमानेंट रेसिडेंट ऑफ बिहार यहाँ पे आपके पास दो पॉइंट दिख रहा है येस yes या नो no. तो यहाँ पर आपके पास परमानेंट रेसिडेंट में येस yes या नो no आता है परमानेंट रेसिडेंट को कैसे समझेंगे कि अगर आपके पास यहाँ का रेसिडेंशियल है तो आप यानी कि परमानेंट रेजिडेंशियल यहाँ पर आप आते हैं और सिंपल से आप यहाँ पे यस यह सेलेक्ट कर लेंगे दूसरा आपके पास यहाँ पूछा जा रहा है कि सेलेक्ट योर रेजिडेंशियल एलिजिबिलिटी जैसे ही आप इस पॉइंट पे आते हैं रेजिडेंशियल एलिजिबिलिटी में तो माता या पिता बिहार के निवासी हैं यहाँ पर कन्फर्मेशन लिया जाता है कि अगर आप यहाँ के रेजिडेंशियल हैं परमानेंट हैं तो क्या ये दोनों ही आपके यहाँ के निवासी हैं या नहीं हैं माता या पिता तो अगर आपका ये भी है तो आप इसमें यस कीजिएगा और आप इसे सेलेक्ट कर लेंगे कन्फर्म कैटेगरी जो आपका कैटेगरी होता है यहाँ पर दिया हुआ है जैसा कि मैंने पहले कहा था कि ऑल इंडिया के लिए आपका अलग हो सकता है स्टेट के लिए जैसे ओ में ही ओ बी सी अगर है ऑल इंडिया के लिए तो यहाँ पर आपके लिए बी या बी आ जाता है जिसमें कि आप बी या ई का कंडीशन होता है तो यू अगर है तो आप यू लेंगे एस है तो एस टी एस आपका कैटेगरी है बी सी है तो बी सी ई डब्ल्यू एस है तो आप ई डब्ल्यू एस जो भी आपका कैटेगरी है यहाँ से आप अपना कैटेगरी सेलेक्ट कर लेते हैं देन कैटेगरी के बाद फिर से यहाँ पर आपका है कॉलम कन्फर्म कैटेगरी यहाँ से फिर से आपके कन्फर्मेशन लिया जा रहा है क्योंकि आप एक बार पहले श्योर sure हो जाएं कि जो आपका स्टेट के लिए कैटेगरी है उसे ही आप फिल कर रहे हैं यहाँ पर फिर से आपका जो भी कैटेगरी है सेम चीज़ दिया गया है आप उसे रिसलेक्ट कर लें कॉलेज इंस्टीट्यूशन टाइप ऑफ विच यू वांट टू अटेंड द काउंसलिंग कॉलेज इंस्टीट्यूशन टाइप फॉर विच यू वॉन्ट टू अटेंड द काउंसलिंग जैसे ही आप इसे यहाँ पर करते हैं तो यहाँ पर शो कर रहा होता है कि किस तरह का आप काउंसलिंग यहाँ पर जाना चाहते हैं गवर्नमेंट के भी काउंसलिंग यहाँ पर है प्राइवेट के भी काउंसलिंग है एम के लिए भी है बी के लिए भी है वेटनरी के लिए भी आपका यहाँ पर होता है तो इस चीज के आधार पर आप यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं अगर गवर्नमेंट मेडिकल डेंटल वेटनरी कॉलेज का आप लेना चाहते हैं तो आप इसे सेलेक्ट करेंगे अगर कोई सिर्फ प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का लेना चाहते हैं तो यहाँ पे वो सेलेक्ट करेंगे इसे बहुत सावधानी से साथ आप इसको यहाँ पे फिल कीजिएगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका सिक्योरिटी अमाउंट या फिर आप जिस तरह के काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वो इसी पे डिसाइड करता है प्राइवेट डेंटल कॉलेज के लिए आप करना चाहते हैं तो प्राइवेट डेंटल कॉलेज लेंगे बोथ प्राइवेट मेडिकल एंड डेंटल के लिए करना चाहते हैं तो आप इसे सेलेक्ट करेंगे गवर्नमेंट मेडिकल डेंटल वेटनरी प्राइवेट मेडिकल इन सब के लिए अगर आप करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको बोथ करना पड़ेगा यानी ये जो बोथ का कंडीशन है इसमें आपका गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट दोनों ही मेडिकल कॉलेज आ रहा है फिर उस हिसाब आप से आपका सिक्योरिटी अमाउंट भी चेंज हो जाएगा इस चीज़ का ध्यान रखिएगा तो यहाँ पर आप वो करें अगर सिर्फ गवर्नमेंट का करना है तो आप इसे सेलेक्ट करेंगे बोथ गवर्नमेंट मेडिकल डेंटल वेटनरी प्राइवेट डेंटल ये सबके लिए अगर करना है तो फिर यहाँ पर आपका चला जाएगा प्राइवेट डेंटल फिर भी यहाँ पे दिया गया इस चीज़ का ध्यान रखिएगा गवर्नमेंट मेडिकल जरूर है डेंटल भी हैगा वेटनरी है लेकिन प्राइवेट डेंटल भी यहाँ पर है बोथ के लिए एक और ऑप्शन है गवर्नमेंट मेडिकल डेंटल वेटनरी एंड प्राइवेट मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस इसमें से जो भी है आप उसको परफेक्ट सेलेक्ट कीजिएगा अगर आपका सिर्फ मेडिकल है और आप गवर्नमेंट का लेना चाहते हैं तो वेरी फर्स्ट ऑप्शन यू है आप इसे कर सकते हैं कि गवर्नमेंट मेडिकल डेंटल या वेटनरी के लिए मैं करना चाहता हूँ तो आपके लिए ये ऑप्शन फिर यहाँ पर होगा तो ये आप जैसे ही यहाँ पर करते हैं अगला ऑप्शन आपके पास आता है आर यू पेइंग सिक्योरिटी डिपॉजिट ऑफ सिंपल से यहाँ पर बात है कि जब तक आप सिक्योरिटी अमाउंट पे नहीं करेंगे तब तक आपका प्रोसेस आगे मूव नहीं करेगा तो सिक्योरिटी अमाउंट यहाँ पे आपको पे करना पड़ता है चूँकि ऑप्शन यहाँ पे यस yes, नो no, दोनों ही आ रहा है तो नो no का कोई यहाँ पे कंडीशन नहीं बनता है लेकिन आपसे ये कन्फर्मेशन लिया जाता है कि आप विलिंगनेस के साथ आप पे कर रहे हैं इसलिए ये कॉलम दिया गया है तो यहाँ पर आपको येस yes ही करना पड़ेगा तभी आप मूव कर पाइएगा ये बाई डिफ़ॉल्ट यहाँ पर लिया जाता है डी कैंडिडेट अगर आप नहीं हैं तो ऑल इंडिया में भी नहीं होंगे आप तो उसी हिसाब से अगर नो no है तो नो no होगा अगर वहाँ पे आपने लिया होगा तो यहाँ पे भी येस yes का आपका प्रोविज़न दिखेगा नहीं तो नो दिखेगा क्लेम फॉर माइनरिटी सीट्स माइनरटी सीट्स के लिए प्राइवेट कॉलेजेज जैसे कटिहार और किशनगंज है वहाँ पर मायनिटी सीट्स भी होते हैं तो उसके लिए कॉलम दिया गया है कि यहाँ पर आपका लेना है या नहीं है अगर नहीं है तो आप सिम्पल सा नो no कर दें गवर्नमेंट के लिए यहाँ पर मायनरिटी सीट का ऑप्शन नहीं है तो आप नो ही करेंगे प्राइवेट के लिए अगर आप जाते हैं और अगर माइनरिटी में आप आते हैं बिलोंग करते हैं तो आप येस yes करेंगे डिस्ट्रिक्ट नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ पासिंग और अपीयरिंग इन क्वालिफाइंग एग्जाम यहाँ पे भी कुछ बच्चे कन्फ्यूज हो रहे थे यहाँ पे सिंपल सा पूछा जा रहा है कि जो ट्वेल्व आपने किया है जिस स्कूल से या जिस कॉलेज से किया है आपने तो वो किस डिस्ट्रिक्ट में आपका स्कूल वो है वो डिस्ट्रिक्ट का नाम यहाँ पर आपसे ऑप्शन में पूछा जाता है और यहाँ पर आप जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं बिहार में वो यहाँ पर शो कर देगा उस डिस्ट्रिक्ट को आप सिंपली यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है यहाँ पर बहुत कुछ ज़्यादा नहीं है डिस्ट्रिक्ट नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ़ पासिंग एपेयरिंग वही पॉइंट हो गया मार्क ऑफ द आइडेंटिफिकेशन मार्क ऑफ द आइडेंटिफिकेशन में आप जाएंगे तो उसमें आपका कोई ऐसा आइडेंटिफिकेशन मार्क्स जो आपके लिए है जो आपका यूनिक है उस पॉइंट्स को सिर्फ यहाँ पे फिल कर देना होता है ये आपका ये पार्ट है इसके बाद हम लोग मूव करते हैं तो परमानेंट एड्रेस का पार्ट है एड्रेस कम्पलीटली इस तरह से आप फिल करेंगे इससे पहले भी आपने ऑल इंडिया में किया होगा बहुत ज़्यादा इसमें बताने की ज़रूरत नहीं है एड्रेस लाइन वन में टू में आपको पूरा कंप्लीट एड्रेस डाल देना है स्टेट डिस्ट्रिक्ट पिन कोड यहाँ पे अलग से दिया हुआ है उसको कर सकते हैं अगर आपका परमानेंट और कॉस्पॉन्डेंस दोनों सेम है तो कॉस्पोंडेंस की इस बॉक्स में सिंपल से आप टिक कर लेंगे दोनों कॉमन हो जाएगा और अगर आपको लगता है कि कॉस्पॉन्डेंस मेरा कुछ अलग है तो कॉस्पोंडेंस का यहाँ अलग से आप फिल कर देंगे ये प्रोसेस कम्प्लीट करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू करेंगे और इसी के साथ आप अगले नेक्स्ट स्टेज में चले जाते हैं जैसे ही आप सेव एंड गो करते हैं आपका यहाँ पे ग्रीन होता जा रहा है जिस जिस पार्ट को आप कंप्लीट कर रहे हैं यहाँ देख रहे हैं रजिस्ट्रेशन पार्ट आपका कंप्लीट हुआ ग्रीन हो गया पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपने फिल कर लिया सही से सेकेंड स्टेप में तो ये आपका ग्रीन हो चुका है आपका ये ब्लू दिखा रहा है और ये अभी आपका नहीं हुआ है तो ब्लू वाले पार्ट में यानी फोटो एंड सिग्नेचर जिसके मैं बता रहा था कि अपलोड करना है आप यहाँ पर देख सकते हैं फोटोग्राफ्स का यहाँ कॉलम बना हुआ है चूज़ एंड फाइल करके आप यहाँ पर अपलोड करते हैं अपलोड इंग्लिश सिग्नेचर और अपलोड हिंदी सिग्नेचर इसे दोनों ही को आपको ध्यान रखना है कि वो रनिंग लेटर में होना चाहिए ना कि कैपिटल में होना चाहिए इसका विशेष ध्यान रखिएगा साइज़ क्या होगा अपलोड करने के लिए तो फोटो के लिए यहाँ पर दिया हुआ है दो सौ में हाइट जो हो टू फिफ्टी में अपलोड इमेज टू बी लेस देन हंड्रेड के बी हंड्रेड के बी से कम होना चाहिए और जेपी फॉर्मेट में होना चाहिए ये आपका तभी अपलोड हो सकता है इंग्लिश सिग्नेचर की बात करते हैं तो वो आपका लेस देन हंड्रेड के बी जहाँ फोटो हंड्रेड के बी में आपका होना चाहिए लेस देन हंड्रेड के बी यहाँ पे था सॉरी फोटो का भी आपका है लेस देन हंड्रेड के बी इंग्लिश सिग्नेचर का भी है लेस देन हंड्रेड के बी और हिंदी सिग्नेचर भी जो आपके हैं वो लेस देन हंड्रेड के बी में है और ये जेपी जी फॉर्मेट में होना चाहिए और इसके साथ आप इसको अपलोड कर सकते हैं अपलोड क्लियर फोटो ये आपको ध्यान रखना है सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर यह है बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि फ़ोटो अपलोड होता है या सिग्नेचर अपलोड होता है लेकिन वो क्लियर नहीं विजुलाइज हो जाता है फॉर द टाइम बिंग कई बार क्या होता है कि वो आपका अपलोड हो जाएगा सिग्नेचर लेकिन लेटर ऑन अगर वो क्लियर नहीं है तो वो आपका फिर से रिजेक्ट कर दिया जाता है और फिर से आपको एडिटिंग में वो बोला जाता है कि फिर से करें तो इस परेशानी को अगर नहीं झेलना है तो आप मान के चलें कि आपको क्लियर आपका फ़ोटो होना चाहिए और सिग्नेचर जो आपने इंग्लिश और हिंदी में किया है वो भी आपका क्लियर होना चाहिए फ़ोटो के बारे में सिग्नेचर मस्ट बी इन वाइट बैकग्राउंड यूजिंग ब्लैक और ब्लू पेन इंक ये इंस्ट्रक्शन भी दिया गया है कि आपका वाइट पेपर पर ब्लैक एंड ब्लू इंक पेन से होना चाहिए और इसी के साथ साथ आप जैसे ही इसको अपलोड करते हैं एंड सिग्नेचर आप यहाँ सेव एंड गो कंटिन्यू आप करेंगे और आप अगले स्टेज में चले जाते हैं तो अब इस जैसे ही आप इस फोटोग्राफ्स को और सिग्नेचर को आप अपलोड करते हैं उसके बाद आ जाता है एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन फॉर यू जी मैक ट्वेंटी ये अगले आप स्टेज में आ चुके हैं और अब जो इन्फॉमेसन यहाँ पर आपसे मांगा जाता है उसमें सबसे पहला है कि टेंथ और ट्वेल्थ का आप डिटेल्स यहाँ पर फिल करें तो टेंथ का आपके पास मार्कशीट होगा तो उसके आधार पर आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं टेंथ में आपका स्कूल कॉलेज का नाम आप यहाँ पर डाल दें जब आप यहाँ पर स्कूल कॉलेज का नाम डालते हैं तो यहाँ पर बोर्ड भी आपसे पूछा जाता है कि कौन सा बोर्ड है अगर आपका बिहार बोर्ड है तो आप इसे सेलेक्ट कर लेंगे सी है या आई बोर्ड है तो उसके अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे सेलेक्ट करें और ये स्कूल कॉलेज के नाम के साथ यहाँ पे बोर्ड भी आपका आ जाता है सिमिलरली यहाँ पे पासिंग स्टेटस है कि आपका क्या है अगर आप पास हैं तो यहाँ पे पास दीजिएगा या अगर आपका लगता है कि पासिंग ईयर फिर उसके बाद सॉरी पासिंग ईयर पूछा जाएगा कि कौन सा पासिंग ईयर है आपका तो वो पासिंग ईयर भी आप यहाँ पर सेलेक्ट करके डाल देते हैं सेलेक्ट परसेंटेज और सी जी पी ए यहाँ पर आप परसेंटेज में अगर है तो परसेंटेज डालेंगे अगर आपका सी जी पी ए में अगर आपका रिजल्ट आया था तो आप सी जी पी ए को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर वो चला जाएगा मार्क्स ऑफटेन यहाँ पर दिया गया है मार्क्स ऑपटेन यानी कि आप जो भी डालते हैं यहाँ पर परसेंटेज या सी जी पी ए उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर आपका मार्क्स आ जाएगा टोटल मार्क्स उसी के अकॉर्डिंगली डालते हैं परसेंटेज या सी आपका क्या था ये वहाँ पर आपका चला जाएगा कई बार आपको ऐसा भी कन्फ्यूज़न लगेगा कि सी को अगर हम लोग को मार्क्स में कन्फर्ट कन्वर्ट करना है तो 9.5 से आप उसका आप मल्टीप्लाई कर देते हैं और उसके अकॉर्डिंगली आपका वो जो भी सी है उसको 9.5 से जब आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपके पास परसेंटेज वो आ जाएगा और उसके अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं सेम इन्फॉर्मेशन आपको प्लस टू के लिए या ट्वेल्व आप जो ए आई आई सी किए उसके लिए आपको डालना है स्कूल कॉलेज का नाम सेलेक्ट करना है पासिंग स्टेटस पासिंग ईयर परसेंटेज या सी जी पी ए जो भी आपका था मार्क्स ऑफ टेन टोटल मार्क्स और परसेंटेज इस पार्ट को आप एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन वाले पार्ट पे फिल कर लेते हैं अगला जो है फेज उसमें प्लीज़ फ़िल अप योर सब्जेक्ट डिटेल्स जो सब्जेक्ट आपका था इंग्लिश फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो मार्क्स ऑफ टेन आपने क्या किया था तो वहाँ पर आपको उसी के अकॉर्डिंगली यहाँ पर फिल कर देना होता है फिर इंग्लिश का फिर फिजिक्स का केमिस्ट्री एंड बायो का टोटल मार्क्स कितने का था बिहार में का खास करके कंफ्यूजन हो जाता है वैसे बच्चों के लिए जो इंग्लिश में खास करके 150 मार्क्स का लिए हुए रहते हैं तो उनके पास कंफ्यूजन रहता है कि मैं 150 एंड या हंड्रेड मार्क्स डालूँ या फिफ्टी भी कई बार बच्चे लेते हैं तो फिफ्टी में डालूँ तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि हर सब्जेक्ट आपका यहाँ पर जैसे इंग्लिश का है तो वो हंड्रेड मार्क्स का ही जाएगा तो टोटल मार्क्स आप हंड्रेड ही लेंगे और उसमें आपका क्या आया था उस उसमें वो मार्क्स आप यहाँ पे फिल करेंगे फिजिक्स का हंड्रेड का केमिस्ट्री एंड बायो उसी हिसाब से और उसमें जो मार्क्स आया आप उसे फिल करते हैं जब ये पूरा दोनों पार्ट फिल हो जाता है देन फाइनली आप अगर कुछ लगता है कि पीछे के कुछ पार्ट में अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ है तो बैक टू एडिट जाएंगे वो फिर से फिल करेंगे और अगर लगता है कि सब कुछ ओके okay जा रहा है तो सबमिट एंड कंटिन्यू आप कर देते हैं और फिर आप अगले स्टेज में यहाँ से चले जाते हैं इसी के साथ अब आपका फाइनली यहाँ पे कंप्लीट uh, हो जाता है एजुकेशनल uh, इन्फॉर्मेशन तक अब आप प्रीव्यू कर लेते हैं प्रीव्यू बहुत ज़रूरी है आपके लिए प्रिव्यू इसलिए ज़रूरी है कि जो आपने रजिस्ट्रेशन किया है पर्सनल इन्फॉमेशन यहाँ पे किया है फोटोग्राफ्स एंड सिग्नेचर अपलोड किया है एजुकेशनल इन जो आपने फीड किया है वो सब कुछ करेक्ट और सही है इसलिए एक बार फाइनल आप एक बार इसे रिव्यू कर लें और रिव्यू के लिए आपके पास कंप्लीट डिटेल्स इन सभी का आ जाता है जिसमें काउंसलिंग का आपका रोल नंबर आपका यहाँ आ जाता है एप्लीकेशन नंबर ऑल इंडिया रैंक कैंडिडेट नेम ये फिर से यहाँ पर आपका दिख रहा होता है जो आपने फीड किया था उसी के साथ प्रिव्यू में आपके ये बाकी इन्फॉर्मेशन भी एज इट इज़ यहाँ पर दिख रहा होगा जिसे आप वेरीफाई कर लेंगे एक बार नेम के साथ एड्रेस जो आपने फीड किया था वो यहाँ पर आ गया मोबाइल नंबर आधार नंबर सिक्योरिटी क्वेश्चन सिक्योरिटी आंसर डेट ऑफ बर्थ आपने जो दिया था पर्सनल इन्फॉर्मेशन का पार्ट वो भी यहाँ पे विजुलाइज हो रहा होता है एज ऑफ द स्टूडेंट ये भी दिख रहा है आप जब पूरे पेज का आप रिव्यू कर लेते हैं जितने भी इन्फॉर्मेशन आपने फिल किया था तो फाइनली लास्ट में उसी पेज में आप देखे रहे होंगे कि यहाँ पर डिक्लेरेशन का पार्ट आता है डिक्लेरेशन से जस्ट पहले आपको एक बॉक्स दिख रहा है जिसमें लिखा जा रहा है आई सर्टिफाइड दैट द अबव स्टेटमेंट्स आर ट्रू जितने भी चीज़ें मैंने फिल की है वो सब कुछ सही हमने भरा है डिक्लेरेशन में ये चीज़ें हैं दो पॉइंट में लिखा हुआ है द इफॉर्मेशन गिवन अवर इज ट्रू एंड कम्प्लीट टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड बिलीफ एंड इफ एनी इन करेक्ट एट एनी स्टेज माई एडमिशन सेल बी लेवल टू बी कैंसल बट ऑबियस है कि आपने जो इन्फॉर्मेशन दिया वो सही दिया है कुछ गलत उसमें नहीं किया है जो भी है आपका स्टेटस है ऑर्डिनेंस है रेगुलेशन है उस चीज़ का एक बार फार फिर से आपका अंडरटेकिंग लिया जा रहा है और जैसे ही आप इस चीज़ के लिए सहमत होते हैं आप यहाँ पे बॉक्स पे टिक कर लेंगे लेफ्ट हैंड साइड में जो बॉक्स दिख रहा है जैसे ही आप टिक करते हैं इसका मतलब होता है डिक्लेरेशन को लेकर के आप कंफर्म हो गए आप क्लियर कर रहे हैं प्रोसीड टू पेमेंट अगर फिर भी यहाँ पे आपको लग रहा है कि कुछ चीज़ें मुझे एडिट करना था जो भी प्रीव्यू में मुझे दिख रहा है ऐसा भी हो सकता है कि प्रीव्यू में कुछ इन्फॉर्मेशन आपने देखा जहाँ पर आपको लगा कि नहीं ये चीज़ें मैंने गलत कर लिया है अभी भी आपके पास ऑप्शन होता है बैक टू एडिट में जाने का बैक टू एडिट में आप जाएँ फिर से वहाँ पर एडिट करें जो चेंज आपको करना था मूव ऑन करें पेज टू पेज और फाइनली फिर से आपका ये आ जाएगा प्रोसीड टू पेमेंट में यहाँ पे मूव करना है जैसे ही आप प्रोसीड टू पेमेंट में मूव करते हैं ये पॉपअप आपके सामने दिखने लगता है आपके कैटेगरी के अकॉर्डिंगली और आपके जो आपका कैटेगरी है उसके अकॉर्डिंगली रजिस्ट्रेशन का जो आपको फी पे करना है उसका यहाँ पे अमाउंट आपको दिख रहा होता है डियर कैंडिडेट्स बिफोर कन्फर्मेशन प्लीज चेक ऑल योर इनपुट डेटा प्रॉपरली आई यू श्योर यू वॉन्ट टू कन्फर्म इट विथ पेमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन और काउंसिलिंग फी ऑफ रुपीज ट्वेल्व इससे पहले आपसे सिक्योरिटी अमाउंट के लिए कन्फर्मेशन ले लिया गया था आपने yes कहा था तो आपका ये रजिस्ट्रेशन फीस आ जाता है आपके कैटेगरी के अकॉर्डिंगली यहाँ पे 1200 या आपका जो कैटेगरी है डी क्यू एस सी जिसका कि अलग है और जनरल ओ और ई का जो फी स्ट्रक्चर है रजिस्ट्रेशन का वो यहाँ पर दिख रहा होता है और यहाँ पर आपको येस yes जैसे ही करते हैं वहाँ पर पे आप पेमेंट वाला पार्ट आपका वहाँ पर ओपन हो जाता है जैसे ही आपने उसको ओके okay किया उसके बाद आपका पेमेंट का मोड का ये इंटरफेस आपका ओपन हो जाता है ऑप्शनस आपके यहाँ पास दिख रहे होते हैं रजिस्ट्रेशन का जो अमाउंट है वो आपका यहाँ पर दिख जाएगा जो अमाउंट आपको पे करना है मोड ऑफ पेमेंट आपका क्या है उसे आपको चेक कर लेना है आप कार्ड से भी दे सकते हैं एटीएम कार्ड से भी दे सकते हैं डेबिट कार्ड भी दे सकते हैं नेट बैंकिंग को यूज़ कर सकते हैं वॉलेट और यूपीआई इसमें से जो भी आपके लिए कंफर्टेबल है किसी मोड को आप यूज़ कर सकते हैं उसी के अकॉर्डिंगली आपका यहाँ पर कार्ड नंबर नेम ऑन कार्ड जो कार्ड पर आपका नाम नाम लिखा हुआ है एक्सपायरी डेट आपका यहाँ पर दोनों ही पार्ट पे होता है उसे आप कर लेते हैं सी बी वी नंबर जो होता है बैक ऑफ द कार्ड होता है उसे आप पुट करते हैं और फाइनली आप इसको पे नाउ करते हैं पे नाउ के साथ ही साथ आपका रजिस्ट्रेशन का पार्ट यहाँ पर पे पेमेंट क्लोज हो जाता है उसी के अकॉर्डिंगली आपका सिक्योरिटी अमाउंट भी आपको पे करना पड़ता है नेक्स्ट पेज में और इसके बाद आपका यहाँ पर पे कन्फर्मेशन पेज आ जाता है जिसे आप फाइनली डाउनलोड कर लेते हैं इस चीज़ का आपको ध्यान रखिएगा जैसा मैंने इनिशियल में बताया है कि पूरा का पूरा कन्फर्मेशन पेज जो आपका आता है वो दो पार्ट में होता है जिसमें पार्ट ए और पार्ट बी होता है दोनों ही पार्ट आपको डाउनलोड कर लेना है और उसके दो से तीन कॉपी आप बना करके रख लीजिएगा क्योंकि हर राउंड में आपको उसकी ज़रूरत पड़ती है जैसे जैसे आप राउंड में मूव ऑन करते हैं और फिजिकली आपको अपने बाकी डॉक्यूमेंट्स के साथ ही साथ पार्ट ए और पार्ट बी का जो भी रजिस्ट्रेशन का पार्ट आया था उसे भी आपको लेकर के जाना पड़ता है एट द टाइम ऑफ एडमिशन या एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के जाना पड़ता है मुझे लगता है कि इसके माध्यम से आप बहुत ही आप आसानी से अब बिहार स्टेट का जो रजिस्ट्रेशन है उसे आप कंप्लीट कर सकते हैं थैंक यू सो मच